हेलो एवरीवन, बुलियन लॉस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत डीप में विद प्रूफ मैंने आपको एक एक लॉ पढ़ाया है। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज, ये देखो भाई, मैंने आपको इस सारे लॉस पढ़ाए थे। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन्स, एब्जॉर्प्शन, यूनिट प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, हमने टोटली ये 9 लॉस देखे हैं। वैसे ऐसे काफी ज्यादा लॉस हम लोगों ने लॉजिक में देखे थे, बट जितना यूज होगा डिजिटल लॉजिक में उतने ही मैंने आपको लॉस दिखाए हैं। फालतू में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। डीप में देखना है और कुछ पढ़ना है तो प्लीज मेरी लॉजिक की प्लेलिस्ट उठा के देखो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक एक प्रूफ, एक एक बात अच्छे से कर रखी है। ये सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है, बार बार समझा रहा, और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, सिर्फ रिपीटेशन है और कुछ नहीं। चलो जी, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी प्लस में ए बी बार। तो हम क्या करेंगे जी, हम बोलेंगे जी ए डॉट बी प्लस में बी बार। लॉ का नाम बोलते जाओ फटाफट। ठीक है, लॉ का जितना ज्यादा लॉस के नाम लिखोगे ना, उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं लिख रहा हूँ तो एटलीस्ट आप भी लिखो। ठीक है, अच्छा, बी प्लस बी बार इज व्हाट, वन ओनली। क्या लॉ का क्या नाम है भाई, यूनिट प्रॉपर्टी। ए डॉट वन विल बी इक्वल टू व्हाट, वन। कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो यहाँ पे ये जो हमने लॉ लगाया है, इससे यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहुंचे हैं। अच्छा जी, इधर से इधर ये किससे पहुंचे थे, यूनिट प्रॉपर्टी से पहुंचे हैं। ए डॉट वन से ए कैसे है भाई, आइडेंटिटी लॉ से निकला है। ठीक है, मैं बहुत गंदा गंदा लिख रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। नाम वगैरह सब आपको पता है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। आप प्लीज अच्छे से नोट्स बनाना और ढंग से लिखना। मैं बताऊँ, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से कर लो भाई, लॉज लिख लिख के। उसके बाद ये लॉज आपके इतने दिमाग में फिट हो जाएंगे और इतनी ट्रिमेंडस स्पीड देंगे आपको, बहुत स्पीड से काम करोगे। ठीक है, चलो नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जी ए बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। ठीक है जी, तो आप देखो थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करूंगा तो आप एक झटके में पकड़ जाओगे। ये क्या बनेगा जी, ए प्लस बी डॉट बी बार। ठीक है, लॉ लॉ का नाम बताओ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कैसे आए हैं देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद आ जाएगा, ए प्लस में बी डॉट सी क्या होता था, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो बस मैंने इसको उल्टा ऐसे यहाँ पे इससे इधर पहुंच गया, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज ए प्लस बी सी। तो याद कैसे रखना है आपको, ऐसे याद रखना भाई, देखो ए प्लस में बी ए प्लस में सी। ठीक है, ये ए और ए, ये अगर सेम निकल के आ रहा है तो फटाफट से आप बोल के भागोगे ए प्लस बी सी। ठीक है, बी और सी में डॉट लगा देना, ओके, और यहाँ पे ए प्लस सीधा लिख देना, ये शॉर्टकट है भाई। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इसी चीज का ही मैंने यहाँ पे फायदा उठाया, मैंने यहाँ पे फटाफट से देखा, अच्छा ए और ए और ए सेम है तो बी और बी बार के बीच में डॉट लगा करके काम खत्म कर दूंगा। वही मैंने लिख दिया, ए प्लस बी डॉट बी बार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। बी डॉट बी बार इज व्हाट, जीरो, ये आपको पता है। ए प्लस जीरो कहाँ से निकला था भाई, ये जीरो प्रॉपर्टी से। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी, तो ये है जी ये। ठीक है, बी डॉट बी बार इज जीरो, जीरो प्रॉपर्टी से निकला। ए प्लस जीरो इज ए, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ए प्लस जीरो इज ए, आइडेंटिटी लॉ से हमने निकाला था। नोट डन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, ए प्लस सी और ए बार प्लस बी। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी लॉ वगैरह ये सब है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ए प्लस जीरो इज ए, ए डॉट वन इज ए, ये आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्यों है, अगर आपने मेरी ग्रुप थ्योरी की वीडियोस देख रखे है, ग्रुप थ्योरी की अगर आपने प्लेलिस्ट देख रखी है तो आपको अपने से समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी का मतलब याद है ना भाई, यहाँ पे कोई भी हम लोग वैल्यू लेते थे और वो ऐसी आ जाया करती थी बाहर, है ना, तो ये आइडेंटिटी हो जाया करती थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, वहीं से ये वर्ड निकला आइडेंटिटी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है। तो ए डॉट वन इज ए एंड सॉ। प्लीज, मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ग्रुप थ्योरी शुरू कर दूंगा यहाँ पे, फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसे में चीजों को मिक्स करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, और ये भी आपको याद रखना, देखो भाई ए डॉट जीरो विल बी जीरो। ठीक है, ए प्लस वन विल बी वन, ये डोमिनेशन लॉ, क्योंकि डोमिनेट कर रहा है, जीरो डोमिनेट कर गया वन ए पे, वन डोमिनेट कर गया है पे, इसलिए इसको डोमिनेशन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ए प्लस वन इज वन बट ए डॉट वन इज ए। ठीक है, ए डॉट जीरो इज जीरो बट ए प्लस जीरो इज ए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लॉज के नाम भी मैंने बता दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ए प्लस सी और ए बार प्लस बी। तो इसके लिए क्या करें भाई, इस तो वही बात है, इसको तो खोलना पड़ेगा तभी पता लगेगा क्या है ना। नहीं तो कुछ अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे भी ए होता, फिर मैं फटाफट बोल के भाग जाता ए प्लस बी सी, बट यहाँ पे ए और यहाँ पे ए बार है। तो ठीक है जी, खोलते हैं और क्या करें। ठीक है जी, तो खोलते हैं, तो ए डॉट ए बार विल बी वट, जीरो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा मैं, टाइम बचाऊंगा। ठीक है, ए डॉट ए बार विल बी जीरो, यहाँ से क्या आएगा जी ए बी, और यहाँ से क्या आएगा जी ए बार सी, और यहाँ से क्या आएगा जी बी सी। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बस मैंने जस्ट ओपन अप कर दी ब्रैकेट्स और कुछ नहीं किया। ठीक है, ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में बी सी। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो प्लस समथिंग इज, तो आपको पता है भाई ये ऐसे आ जाएगी,
मैं 0 भी यहाँ से हटा दूँ जस्ट टू सेव द टाइम। अच्छा चलो ठीक है, रखी रहने दो भाई, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी को ये ना लगे मैंने स्पीड से कर दिया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये एक बहुत स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप ए प्लस ए बार ऐड कर दो, ठीक है, और यहाँ से बीसी था ही, तो ए प्लस ए बार आपको पता है क्या होता है, वन होता है, तो वन डॉट समथिंग इज दैट समथिंग ओनली, तो बीसी का बीसी रह जाएगा, तो बीसी को मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, दिस इज द मेजर स्टेप। बस अगर ये आप पकड़ गए तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ए प्लस ए बार एड एंड सॉन, इसका प्रॉपर आंसर मैं के मैप्स में दूंगा जब हम आगे मिनिमाइजेशन और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, अभी तो मिनिमाइजेशन कर रहे हैं कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए बार बी सी, ए बी और ए बी सी इन दोनों में से ए बी कॉमन आ जाएगा, वन प्लस सी बचेगा, तो मैं सीधा ए बी लिख रहा हूँ, ए बार सी, और यहाँ से देखो भी ए बार सी बी हो गया, ठीक है जी, तो ए बार सी कॉमन आ जाएगा, वन प्लस बी दैट इज नथिंग बट ए बार सी ओनली, तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, ए बी प्लस में ए बार सी। तो लेके क्या चले थे, ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में बी सी, और बन के क्या आ गया, ए बी प्लस में ए बार सी, मतलब बी सी बीच में से उड़ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है भाई, बहुत जगह यूज भी होगी, तो बहुत ध्यान रखना इसका, ओके जी, ठीक है जी। और प्रूफ मैं डोंट वरी, मैं इसको के मैप में आपको प्रूफ दे दूंगा हम कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। ए प्लस ए बार क्यों ऐड किया, मैंने कहाँ से सोचा एंड सॉन, सब मैं आपको के मैप में आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, नहीं तो ये पॉपकॉर्न थिंकिंग होती है भैया ना, जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, आपने देखा होगा पक 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 कैसे बनते हैं, तो ऐसे अगर आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप गेटवे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना होता है चीजों को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे मैं नहीं बोल के भाग सकता था कि ठीक है जी ये तो एक स्टेप है एंड सॉन है, इस तरीके से मैं नहीं चलता कभी भी, मैं पॉपकॉर्न थिंकिंग को कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं प्रॉपर डिटेल में आपको विद प्रूफ समझाऊंगा कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ है, कहाँ पे के मैप्स में, ठीक है। चलो अभी नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी नेक्स्ट देखो भाई, ए प्लस में बी, ए बार प्लस में सी, बी प्लस में सी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है कि मेजर स्टेप आएगा एक बहुत बड़ा, अगर आप वो मेजर स्टेप कर गए तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग फंस सकते हो, दिस इज द मेजर स्टेप, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप। अगेन वही बात, ऐसा क्यों कर दिया मैं, कारण आपको के मैप में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये ए प्लस ए बार आपको पता है क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस समथिंग इज दैट समथिंग ओनली, तो बी प्लस ई रह जाएगा, ए डॉट ए बार हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ए प्लस में बी, ए बार प्लस में सी, ए प्लस में बी प्लस में सी, ए बार प्लस में बी प्लस में सी, ये मैंने खोल दिया अभी, क्या किया समझ में आया, बी प्लस सी आप इसको एक्स मान लो, ठीक है, एक्स प्लस और ये मान लो वाई और ये मान लो जेड, एक्स प्लस वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो हमने कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, समझ में आ रहा है, इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको मैंने जेड मान लिया, तो एक्स प्लस वाई जेड खोलना आता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है कि नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है। तो प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट हम ऐसे कहेंगे, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, तो एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, ठीक है, तो वही हमने कर दिया, x क्या था जी b प्लस c, और ये आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, नो डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, अब मैं क्या कहूंगा, देखो a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो फाइनली यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा, a बार प्लस सी और यहाँ से a बार प्लस सी प्लस बी, तो यहाँ से a बार प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे कर दिया मैंने बहुत जल्दी, वही बात है प्रैक्टिस का खेल है सारा और कुछ नहीं, आप मान लो, ठीक है, अलग पेन से मैं दिखा देता हूँ, इसको आप मान लो एक्स, तो ये क्या हो गया जी x और y, तो क्या हो गया जी x डॉट x प्लस y, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ याद करो, फाइनली x निकल के आता था, तो x क्या है भाई हमारा, वही a प्लस b, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे a बार प्लस c, और वही बात है a बार प्लस c को आप x मान लो, तो ये a बार प्लस c ये x हो गया और साथ में ये y हो गया, तो x डॉट x प्लस y इज x ओनली दैट इज a बार प्लस c, तो इन दोनों से ये निकल के आया है, ठीक है, पकड़ गए आप लोग, लॉ का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। अच्छा मैंने इन दोनों को कैसे पकड़ लिया बीच में से, क्योंकि तो वही बात है, थोड़ा सा मैंने टाइम सेव करने की कोशिश की, नहीं तो मैं इन दोनों को ऐसे फ्लिप करता, ठीक है, और फिर मैं इन दोनों को पकड़ के काम करता है, समझ रहे हो ना भाई, एक्चुअली वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, अगर किसी को डाउट है तो लो भाई मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस सी, और यहाँ पे बोल देता ए बार प्लस सी प्लस बी, तो इन दोनों का मैंने फ्लिप कर दिया, कैसे फ्लिप कर दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू
वी डॉट ए, लिखते रहो सारी चीजें, जितना लिखते रहोगे, जितना बेसिक बातें करते रहोगे, जितने बेबी स्टेप्स करते चले जाओगे, उतना फायदा होगा आपको। आप स्पीड बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी आपकी, बहुत जल्दी आंसर्स करोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अटकते रहोगे। ठीक है, मैं बोल के भाग सकता था यहाँ पे, इसको इसको पकड़ लिया, ए प्लस बी आ गया, इसको इसको पकड़ लिया, ठीक है, इसको इसको पकड़ लिया, ये आ गया आंसर, तो ऐसे पकड़ा कैसे? ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे फ्लिप किया था एक्चुअली, और फ्लिप करने का मतलब कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ए प्लस बी इज नॉन है, ए प्लस ए डॉट बी से बी डॉट है, याद आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है जी, चलो भाई कर लो फाइनली नोट डाउन। ठीक है जी, तो कर लो भाई नोट डाउन। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन होगी हमारे पास यहाँ पे। तो फाइनली ये जो क्वांटिटी थी, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, ये क्या बन गई? ये बन गई। ठीक है, अच्छा एक और तरीका दिखाता हूँ। ठीक है, एक बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल वे मेरे दिमाग में आ रहा है। ये देखो भाई, आप क्या करो, आप ना पहले इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों को जब आप पकड़ोगे तो क्या बनेगा पता है? ये बन के आएगा जी बी प्लस में ए सी, और यहाँ पे क्या बैठा है जी ए बार प्लस में सी। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी मैंने आपको सिखाया था। देखो भाई बी और बी यहाँ पे, ये देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता तो हूँ, आप पकड़ोगे। इसको मैं लिख देता हूँ बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव होता है ना, ए प्लस बी, बी प्लस ए सेम है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी प्लस सी। देखो भाई बी और बी सेम है कि नहीं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था बी सेम है, तो फिर ए, ये बी प्लस इन दोनों के बीच में डॉट लगा दो, ए डॉट सी। तो यही मैंने लिख दिया फटाफट। ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। ए बार प्लस सी, ठीक है जी, तो ए बार बी, ठीक है, बी डॉट ए बार आएगा, वो बी डॉट ए बार या ए बार बी एक ही बात आई थिंक, समझ पा रहे हो आपका कॉम्यूटेटिव है। प्लस में बी सी, प्लस में ये क्या बन के आएगा जी? ये बन के आएगा, ये देखो ए सी और ए बार है, तो आप समझ पा रहे हो ए सी और ए बार। तो अब देखो वही बात है, कॉम्यूटेटिव है तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, डॉट इज कॉम्यूटेटिव ना, बीच में सब डॉट ही थे, तो ये ए बार सी। ठीक है, और आपको पता है ए डॉट ए बार क्या होता है? जीरो। कौन सा लॉ? ए डॉट ए बार जीरो प्रॉपर्टी। कौन सा लॉ? जीरो प्रॉपर्टी। डॉट सी, तो जीरो डॉट सी विल बी जीरो ओनली। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? डोमिनेशन लॉ, क्योंकि जीरो डोमिनेट कर गया सी को, तो फाइनली आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा यहाँ पे ए सी और ए बार, ये सीधा हम जीरो करके भाग सकते हैं, इसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा। और ए सी और सी, ये देखो ये क्या बनेगा, ए सी डॉट सी बन गया ना, तो सी डॉट सी इज बट सी। कौन सा लॉ? आइडम्पोर्टेंट लॉ, तो ए सी बन के आ जाएगा, तो ये हमने लिख लिया ए सी। समझ में आया? अब आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे हम कभी भी कुछ भी, ये देखो जैसे मैं ऐसे बोल दू ए बार बी, और यहाँ पे डॉट करके मैं लिख दू बी सी डी ए, ऐसे करके मैंने कुछ कर दिया, तो बस ये ए और ये बार बस सीधे उल्टे, सीधे जैसे भी नजर आएंगे ना, सीधे और उल्टे, ये देखो ये सीधा ये उल्टा ऐसा नजर आ गया, इमीडिएटली आप इसको जीरो बोल के आओगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आप ए को खिसका खिसका के इधर ले आओगे, ए डॉट ए बार विल बी जीरो, जीरो डॉट समथिंग इज जीरो ओनली, तो फाइनली जीरो बन के आएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, और भी स्टेप्स को इसको और खोलू टाइम बर्बाद होगा, मैं इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं तो अगर वही बात है, थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, मैं तो बहुत स्पीड से बोल गया हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बार डॉट बी डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ए था ना, तो डी डॉट ए को मैं ए डॉट डी कह सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर सी डॉट ए को मैं ए डॉट सी कह सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसे ऐसे खोलते जाना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्लीज मेरे से ज्यादा टाइम पास मत करो, आप अपने समझ पा रहे हो ना। सी डॉट ए को ए डॉट सी कर लेना, फिर बी डॉट ए को ए डॉट बी कर लेना, फिर यहाँ से बी डॉट ए को ए डॉट बी कर लेना, और ए डॉट ए बार आ जाएगा। ए डॉट ए बार आते हम क्या करेंगे, जीरो, जीरो डॉट समथिंग इज जीरो ओनली, तो फाइनली जीरो बन के आएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट से आपको समझा दिया, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए बार है और यहाँ पे ए है, कहीं पे भी ए नजर आ गया, अगर ए बार नजर आ रहा है कहीं पे भी ए नजर आएगा, सारा डॉट 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 बीच में चल रहा था, तो चुपचाप से उसको जीरो कर देना बस, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो पकड़ के आप लोग नोट डाउन करो उसको। हाँ जी, तो फाइनली हमने क्या निकाला है जी, हाँ हमारा आंसर ये निकल रहा था जी। ठीक है, तो ये निकला है जी ए बार बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, और इधर से क्या निकला है जी, इधर से हमने ये निकाला है। आप इसको जरा सॉल्व करके देखो, इसको खोल के देखो, यही बन के आएगा, कंफर्म है। ऑब्वियस ही बात है भाई, एक्सप्रेशन बराबर थी, मेथड अलग किया, मेथड अलग करने से कोई आंसर अलग थोड़ी आ जाएगा। तो देखो इसको खोलना, ए डॉट ए बार विल बी व्हाट, जीरो ओनली, छोड़ दो उसको, तो ए सी प्लस में ए बार बी प्लस में बी सी, चेक करो इसको खोल के देखो फटाफट। ठीक है, तो ये बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा ज्यादा आसान था, ये ए डॉट ए बार एंड सोन ये सब करने में थोड़ा सा टाइम बर्बाद हुआ, बट वही बात है, गेट एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नजर नहीं आया, अगर ये ऑप्शन ही नहीं नजर आया, तो फिर क्या कर लोगे, ये वाला ऑप्शन हुआ तो फिर तो ठीक है। खैर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा चीजें। तो ऑप्शन अगर इस टाइप से आ रहे होंगे तो बिल्कुल सॉल्व करना, और क्या करोगे? ठीक है, सॉल्व कर करके देखोगे तो आपको अपने आप से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी, एक सेकेंड। हाँ जी ठीक है, क्लियर है एकदम? तो सॉल्व कर करके आपको देखना पड़ेगा भाई, अगर इस टाइप, अगर ये ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, ये बहुत जल्दी हमने काम कर लिया, ये नजर नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व करो। जो भी ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन होंगे ना, चारों का से
खोल खोल के देखना, सॉल्व कर करके आंसर आ जाएगा। आगे समझाऊंगा मैं इसको, एक्चुअली पीओएस फॉर्म कहते हैं, है ना। तो पीओएस फॉर्म और ये जो हमने लिखे एसओपी में लिखा है, पीओएस एसओपी कन्वर्जन एंड सो ऑन, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। छोड़ना तो मैंने कुछ है ही नहीं, स्किप करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, किसी बात को ध्यान रखना, ठीक है। पूरा डिटेल में पूरा एक एक बात समझा के जाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ओके। तो वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये एक्चुअली पीओएस है, ये एसओपी है, तो पीओएस एसओपी कन्वर्जन एंड सो ऑन, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के आएगा अभी कुछ कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद वो आ जाएगा टॉपिक, वहां और क्लियर क्लियरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है। तो फाइनली जो एग्जैक्ट राम बाण जिसको हम कहेंगे, जो कभी गलत नहीं होगा, दैट इज के मैप। के मैप से तो बहुत जल्दी और बहुत आराम से आप आंसर निकालोगे, बट ये लॉज की थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे को करवानी बनती है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये आप गेट एग्जाम में के मैप बनाओगे तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग जाता है। एक्चुअली आंसर जल्दी निकलता है नो डाउट, बट थोड़ा सा टाइम वो भी खा लेता है। ये जो लॉज है ना, ये बहुत जल्दी आंसर निकाल के देते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं आपकी स्पीड बिल्डअप कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं कर लो भाई, नो डाउट। नेक्स्ट स्लाइड पे जम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सारा कुछ एक स्लाइड पे कर दिया मैंने, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ की एप्लीकेशन है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपसे अपने आप हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा जी, ये देखो, है ना। मैं इस यही कर दूं सॉल्व, ठीक है। चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, ठीक है। तो मैं ये साइन चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा जी प्लस, और लाइन को मैं ब्रेक कर दूंगा। तो लो जी, ये लाइन होगी जी ब्रेक, ठीक है जी। अब देखो ये डबल बार थी, यहाँ पे भी डबल बार थी, इनको उड़ाओ। ए डॉट बी बार डॉट ए प्लस में ए डॉट बी बार डॉट बी, फिर हुआ तो ये ए बार बार दैट इज इक्वल टू ए ओनली, ये तो आई थिंक सबको पता है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। याद आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं याद आ रहा तो लॉजिक की अपीयरेंस देखो, मैंने वहां इसका नाम भी बताया था, आई थिंक इसका नाम था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। नहीं तो लॉजिक में देख लेना, मैं यहाँ पे वही बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के लॉज और उस सब में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, सब मैंने आपको लॉजिक में बताया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी थोड़ी सी स्पीड बिल्डअप करने के लिए बेसिक बेसिक लॉज मैंने बताए हैं और उनपे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ जी। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है जी। कैसे पहुंचे थे याद आ रहा है ना, बस ये दोनों पे डबल बार था तो दोनों पे डबल बार हट गया, तो फाइनली हमारे पास ये बन के आया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, ए बार प्लस बी बार डॉट ए, ब्रैकेट लगा लेना भाई, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, ए बार प्लस बी बार डॉट बी, अगेन वही डी मॉर्गन्स लॉ मैंने यहाँ भी लगा दिया। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा भाई, ए डॉट ए बार इज जीरो, वो आपको पता है, ये बन के आएगा जी ए बी बार, और यहाँ से क्या बन के आएगा जी ए बार बी, बी डॉट बी बार जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा जी, ए एक्स और बी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक्स और यही और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी ए प्लस में ए बार बी प्लस में ए बी बार। तो देखो भाई, यहाँ से एब्जॉर्प्शन लो फटाफट से हम लगाएंगे, ए प्लस बी बन के आएगा और यहाँ से ए बी बार था, ठीक है जी। और यहाँ से हम यही चीज यहाँ से पकड़ लेंगे, तो ए प्लस में ए बी बार, सो या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, है ना। हाँ चलो ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। तो ये एक कॉमन आ जाएगा, वन प्लस बी बार और साथ में बी, तो वन प्लस बी बार, वन प्लस बी बार इज नथिंग बट वन ओनली, है ना। डोमिनेशन लो तो ए डॉट वन प्लस बी, ए डॉट वन इज नथिंग बट ए ओनली, और ये लॉ का नाम क्या है भाई, ए डॉट वन इज ए, कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, एब्जॉर्प्शन लॉ से ये बन के आया था। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लॉस का, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, है ना। इन दोनों को मैंने कैसे पकड़ लिया, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, प्लस इज कॉम्यूटेटिव, यू कैन से और इज कॉम्यूटेटिव। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए प्लस में ए बी बार प्लस में बी। तो अब आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो हो गए होगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ, इन दोनों को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, वैसे इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही, है ना। मैं तो बस सिंपली इतना बेसिक इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं कोई वीक स्टूडेंट हो जिसको समझ नहीं आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी डाउट्स में इतने ज्यादा आपके क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास, है ना। इसलिए किसी को रही ना डाउट वाली प्रॉब्लम, इसलिए मैं बहुत सिंपल और बहुत आराम आराम सी चीजें बोलता रहता हूँ, ठीक है जी। फाइनली ये हमने इन दोनों को फ्लिप कर दिया, ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ओके जी। तो हमने इन दोनों को पकड़ा है और हमने ये बना दिया, फ्लिप कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, ओके जी। तो बस फिर यहाँ से इन दोनों को हमने ले लिया, तो ए आ गया कॉमन, वन प्लस बी बार। नहीं तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता था, और बेसिक करना चाहते तो मैं ये बोल सकता था, ए डॉट वन प्लस में ए बी बार, ठीक है। ए डॉट वन, ए से ए डॉट वन आने का मतलब ए डॉट वन इज ए, आपको पता है ए डॉट वन इज ए, आइडेंटिटी लॉ। फिर ए आ जाएगा कॉमन, वन प्लस बी बार आ जाएगा, ए कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी बार,
ठीक है ना। तो ए हम बाहर ले आएंगे, वन प्लस बी बाहर लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट वन प्लस बी, ये समझते कि नहीं समझते? ये देखो भाई, ए डॉट वन प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये बन के आएगा कि नहीं? वही चीज मैंने बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं, ये बन के आ गया। और यहाँ से फिर मैंने, अब देखो आगे सारा लिखा हुआ, ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, प्लीज, मैंने बहुत बेसिक कर दिया नाना करते करते, जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं करता रहता हूँ और आप भी करते रहो, चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी, स्पीड से आप काम कर पाओगे। नोट डन करो, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी। अच्छा हाँ जी, क्या बन के आएगा? बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए बार। प्लीज मैं और ज्यादा बेसिक नहीं करूंगा, कैसे आता है कॉमन एडिशन वो भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ से आएगा जी ए बी बार, ए प्लस ए बार इज वन ओनली यूनिट प्रॉपर्टी। तो ये फाइनली बी बन के आएगा, बी प्लस में ए बी बार, तो बी प्लस में बी बार ए, अब आप पकड़ जाओगे है ना, बी प्लस में बी बार ए, तो ये क्या बन के आएगा जी, बी प्लस ए, कौन सा लॉ? एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, यहाँ से आगे से पहुंचे कॉम्यूटेटिव लॉ से पहुंचे हैं। ठीक है जी, प्लीज, और ज्यादा मैं बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता, आप अपने समझ पा रहे होंगे। ये बन के आया जी बी प्लस ए, दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी। तो ये देखो भाई, यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंचे के नहीं, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो, जब मैं ये, एक मिनट इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया? ठीक है, अब ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब मैं और फंक्शन पढ़ा रहा था आपको, है ना, और फंक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, और फंक्शन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, याद आ रहा है? रादर प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस सब कहानी करी थी। तो मैंने आपको बताया था एफ ऑफ ए कॉमा बी दैट वाज ए बी प्लस में ए बार बी प्लस में ए बी बार, याद आ रहा है? दैट वाज योर और फंक्शन, याद है? ये देखो ए बी 0001 1011, और क्या होता है भाई, और होता है और को हम प्लस से रिप्रेजेंट कराया करते थे ना, और या चलो मैं बोल देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, और इज नथिंग बट योर ए प्लस बी। तो हमने क्या लिखा था, 0111, तो मैंने कहा था यहाँ पे ये तीनों वन है, तो मतलब ये तीनों मिन टर्म्स आएंगी, ये तीनों मिन टर्म्स देखो हमने लिखी हुई है, ए बार बी ये बैठा, ए बार बी, ए बी बार ये बैठी, और ए बी ये बैठी। ठीक है, मैंने कहा था कि ये ए प्लस बी के बराबर आएगा, मैं आपको जब लॉज पढ़ाऊंगा तो वहां प्रूव करूंगा। देखो मैंने आज आपको प्रॉपर प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो क्या बन के आया जी, ये ए प्लस बी बन के आया है, प्रूफ मिल गया होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, ये है जी, इसको मिनिमाइज करना है, फटाफट से करोगे, देखो बहुत स्पीड आप पकड़ सकते हो। ठीक है जी, तो देखो भाई हम क्या करेंगे, देखो पहले तो ना कोशिश करो कि कहीं से कुछ कॉमन आ जाए, आ जाएगा तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो इन दोनों में से आप जेड कॉमन ले सकते हो, वाई प्लस एक्स बार वाई बार बोल सकते हो, अब आपकी आई थिंक प्रैक्टिस होगी होगी, y प्लस एक्स बार बोल के भाग जाऊंगा मैं एब्जॉर्प्शन लॉ से, याद आ रहा है? y प्लस में y बार x बार, तो y प्लस में y बार x, ऐसे आप समझ लो, या यहाँ x बार है, या चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, a प्लस में, मेरे ख्याल से वैसे बोलना नहीं चाहिए, अब आपकी प्रैक्टिस होगी होगी, बट स्टिल कोई बात नहीं, a प्लस में ये a बार, और यहाँ पे समझ लो b। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में लॉज पढ़ाए थे, ए प्लस में ए बार बी इज नथिंग बट ए प्लस बी एब्जॉर्प्शन लॉ की हेल्प से, प्रूफ भी मैंने दिया था सारा, प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट करके टाइम पास नहीं करूंगा। तो फाइनली हमने सीधा लिख दिया वाई प्लस में एक्स बार। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फटाफट से चीजों को पकड़ोगे, तो वाई प्लस में एक्स बार आ जाएगा, है ना, ये वाई बार उड़ जाएगा यहाँ से। हाँ जी, ठीक है जी, और प्लस में क्या चल रहा था, एक्स जेड चल रहा था, तो लो जी क्या बोलोगे आप, वाई जेड प्लस में एक्स बार जेड प्लस में एक्स जेड। ठीक है ना, अच्छा जी, अब आप क्या कर सकते हो, देखो भाई अब आप कुछ कर सकते हो, यस जेड कॉमन आ जाएगा, तो वाई जेड प्लस में जेड आ गया कॉमन, एक्स प्लस में एक्स बार। ठीक है, तो एक्स प्लस में एक्स बार वन होता है, तो ये फाइनली क्या बन के आएगा जी, वाई जेड प्लस में जेड, और ये आपको पता भी एब्जॉर्प्शन लॉ से सीधा जेड बन जाएगा, दिस इज माई आंसर। ठीक है, जेड प्लस में जेड वाई आप बोल सकते हो ना भाई, ए प्लस में ए बी That is nothing but A only by absorption law. वही मैंने लगा दिया। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, कर लो, कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, x प्लस में y प्लस में xy प्लस में और यहाँ पे डॉट है, डॉट x प्लस z, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे फटाफट। ठीक है, पहले तो मैं यही कुछ कुछ काम करूंगा, यहाँ क्या करूंगा, x प्लस में एक्स वाई ये पकड़ लो, या फिर आप बोल दो y प्लस में एक्स वाई, ये वाई एक्स हो गया ना, y प्लस में वाई एक्स, तो ये आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ से y बन के आएगा, तो आप फाइनली क्या बोल दोगे जी, एक्स वाई, यहाँ से ये y बनाया मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ से। आगे क्या है जी, ये अब ये देखो भाई x और x से नजर आ रहा है ना, x प्लस में वाई जेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो x प्लस वाई जेड इज माई आंसर, दैट्स इट।
और नोट डाउन नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो पढ़ाते टाइम स्लो हो रहा हूँ, नहीं तो आप तो एक झटके में फटाफट से कर करके भागोगे। पढ़ रहा हूँ आगे, ए बी प्लस में ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू व्हाट, देखो भाई इसको फटाफट से खोलो, कुछ नहीं है ये। ए बी प्लस में यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो तो क्या बन के आएगा, ए बार बी बार, ए बी प्लस में ए बार बी बार, ये आपको पता है जी, एक्स नॉर की निशानी, एक्स नॉर फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, याद करो। तो ए एक्स नॉर बी बन के आएगा, दैट इज नथिंग बट बी ऑप्शन। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट देखो भाई, इसको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है बट एक झटके में सॉल्व होगा। ए प्लस में ए बार बी, अब्सॉर्प्शन लॉ, ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस में ए बार बी बार, ए प्लस में बी बार, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, सी डी प्लस में सी बार डी बार और सी एक्स और डी, घुमा रखा है यार कुछ नहीं। सी डी प्लस में सी बार सी बार डी बार, सी एक्स और डी प्लस में सी एक्स और डी, समझ गए हो, ठीक है। अब आपको पता भी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था, है ना। और लॉजिक मैंने आपको बताया भी था, अगर इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो एक्स और एक्स नॉट अपोजिट होते हैं, ऑड के केस में सेम होते हैं, तो ठीक है जी। इवन नंबर ऑफ वेरिएबल है ना, दो दो वेरिएबल है दोनों में, ठीक है जी, टू इज इवन नंबर, ठीक है। तो फाइनली क्या बन के आएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, बस अब मेरा काम लगभग खत्म है। चलो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, देख लो बहुत जल्दी। हाँ जी, तो इससे फाइनली मैं आंसर ए लिखूंगा। कैसे कैसे लिखूंगा, ए ए सेम है कि नहीं, मैंने अभी आपको मतलब बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ए और ए सेम है ना, तो बी और बी बार, तो डॉट लग जाएगा, बी डॉट बी बार इज जीरो ओनली, तो ए प्लस जीरो इज ए ओनली, ये आप सब जानते हो। लॉस के नाम जो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज माइंड में अपने लॉस के नाम घुमाते रहो, स्पीड बनेगी, स्पीड नहीं तो बननी ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कहते थे कि सर आप तो क्वेश्चन देखते ही बता देते हो, ऑफलाइन क्लासेज में जब मैं पढ़ाता था ना, क्वेश्चन को मेरे पास लेके आता था मिनिमाइजेशन का, मैं पहले उसका एक झटके में पढ़ता था और सीधा उसका ऑप्शन बता देता था कि ये ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत अमेज होते थे और बहुत इंप्रेस भी होते थे कि सर आप इतनी स्पीड से कैसे कर देते हो। तो मैं उनको हमेशा बताता था, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने साल लगाए हैं, लॉज मेरे दिमाग में बहुत स्पीड से घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, क्योंकि इतने साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो आप भी अगर बार बार लिख लिख के काम करोगे ना, तो लॉज आपके दिमाग में घूमने शुरू हो जाएंगे, यू विल टॉस विद ऑल द लॉज, फटाफट से स्पीड से काम करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ और स्लो स्लो बोल रहा हूँ। हाँ जी ठीक है जी, तो यहाँ से फाइनली ये बन गया। और इसको अब आप समझ पा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो आप इसको एक्स मान लो, इसको एक्स बार बोल दो, तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, वन होता है, यूनिट प्रॉपर्टी, तो डॉट वन, तो फाइनली ए बन के आएगा आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग, बस ए इज द आंसर। सो मैंने क्या कर दिया, तो ये एक्स है, ये एक्स बार है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसलिए। नहीं तो आप देखो, मैं इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, सी एक्स और या चलो सी एक्स नॉर डी प्लस में सी एक्स नॉर डी का होल बार, ये देखो ना, सी एक्स और डी को क्या ले सकते हो, सी एक्स नॉर डी का होल बार, क्योंकि एक्स और एक्स नॉर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये मान लो x और ये हो गया x बार, तो x प्लस x बार इज वन हो गया, तो ये हमने लिखा है। आप उल्टा भी सोच सकते थे, है ना, आप उल्टा भी सोच सकते थे, उल्टा इन द सेंस आप ऐसे भी कह सकते थे, क्या कह सकते थे, c x और d का होल बार प्लस में c x और d, क्योंकि x नॉर क्या होता है, x और का उल्टा होता है। तो ये देख लो भाई, a प्लस में a बार, तो a प्लस में a बार इज नथिंग बट a ओनली, तो फाइनली सॉरी a प्लस में a बार इज वन ओनली, तो फाइनली ये भी वन बन के आएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है ना। चलो भाई नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन। हाँ जी अगला देखो फटाफट, मिनिमाइजेशन, तो स्पीड पकड़ो भाई, मेन चीज क्या है, स्पीड पकड़ो, देखो क्या क्या कॉमन निकलता है, जहां से जो कॉमन निकलता है फटाफट काम करो। देखो भाई यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स बार कॉमन निकलेगा, वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड, इधर से देखो भाई क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स वाई जेड। अब ये आपको पता भाई क्या होता है, एक्स और होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप फटाफट से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, ये इसको आप ना ए मान लो, ठीक है, तो एक्स बार ए प्लस में एक्स ए, तो ए आपको पता है कॉमन आ जाएगा, तो मतलब और एक्स प्लस में एक्स बार आएगा, एक्स प्लस में एक्स बार वन हो जाएगा, वो हट जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो लो भाई, वाई जेड बार प्लस में वाई, अच्छा और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं टाइम बचाता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है ना, वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड क्या, तो भाई एक्स और होता है, तो बार बार लिखते रहा चीज याद रहेंगे, वाई एक्स और जेड, ठीक है, वाई एक्स और जेड आ गया कॉमन, यहाँ से क्या निकला जी एक्स बार, और यहाँ से क्या निकला जी एक्स, समझ पा रहे हो, ये क्या है भाई, ये है जी वाई एक्स और जेड, ये भी क्या है भाई वाई एक्स और जेड। याद नहीं आ रहा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, दैट वाज अबाउट ये जो मैंने फंक्शंस वगैरह पढ़ाया था आपको, इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा, देखो इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा मैंने सब बताया था आपको, एक्स और फंक्शन, एंड फंक्शन, नैंड फंक्शन सब बताए थे आपको, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो वाई एक्स और जेड आ गया, और यहाँ से एक्स बार प्लस में एक्स आ गया,
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक्स प्लस में एक्स बार प्लस में एक्स इज नथिंग बट वन ओनली, तो ये क्या बन के आएगा जी, वाई एक्स और जेड ओनली, ठीक है। एक्स भी प्लीज मैं फालतू का टाइम पास नहीं करूंगा, यहाँ बचा जी हमारे पास एक्स वाई जेड, खोलो इसको, ठीक है। तो वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा जी, देखो जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो फिर यहाँ से क्या बचा जी, वाई बार प्लस में वाई एक्स, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात होती है, क्यों लिखा है ताकि आप समझ पा रहे हो, वाई बार प्लस में वाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू वाई बार प्लस में एक्स, ये उसी टाइप का हो गया एब्जॉर्प्शन हो। देखो भाई ए प्लस में ए बार बी, ये क्या होता था जी, ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली ए बार प्लस में ए बी क्या हो जाएगा जी, ए बार प्लस में बी क्यों हो जाएगा, अगर आपको डाउट है तो यहां से आप क्या बोल सकते हो भाई, ये प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, तो ए बार प्लस में ए डॉट ए बार प्लस में बी, और ए प्लस में ए बार आपको पता है वन होता, तो ए बार प्लस बी ही निकल के आएगा, तो वाई बार प्लस एक्स हमने लिख दिया, साथ में जेड लगा हुआ था और आगे क्या था जी, वाई जेड बार था, और मैं आ गया। हाँ जी, तो फाइनली क्या बन गया जी, वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स जेड, दिस इज माई आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो भाई इसको, तरीके और भी बहुत सारे थे करने के, और तरीके दिखाऊं, ठीक है। देखो देखता हूँ शायद आंसर पता नहीं कैसा आएगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन। अच्छा जी, यहाँ पे ना देखो आप चाहते तो यहाँ से मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता था, रियली मुझे पता नहीं है क्या आएगा, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ आंसर शायद अलग आता है या क्या आता है। एक्स वाई जेड एक बार लिखा हुआ है, एक बार और अगर मैंने एक्स वाई जेड ऐड कर दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम ए प्लस ए इज नथिंग बट ए ओनली, ठीक है। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, तो ठीक है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, तो एक बार और अगर मैंने ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं उसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा जी, वाई जेड बार प्लस में एक्स वाई जेड प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड को मैंने दो बार ऐड, एक बार और ऐड कर लिया तो वो इधर लिख लिया, और साथ में ये था ही था, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो बस इन दोनों में से देखो भाई क्या कॉमन आएगा जी, वाई कॉमन आएगा, तो क्या बचा जी यहाँ पे, जेड बार प्लस में एक्स जेड, समझ पा रहे हो क्या कॉमन निकाल दिया हमने, वाई वाई कॉमन निकालते हैं, जेड बार प्लस में एक्स जेड बना, और यहां से प्लस जेड कॉमन आ गया, और क्या बचा जी, वाई बार प्लस में वाई एक्स, ठीक है। इसको मैं जेड एक्स लिख देता हूँ ताकि आप चीजें जल्दी जल्दी पकड़ सके, वैसे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट पकड़ ही जाओगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जेड एक्स लिख दिया। अच्छा जी, तो बस यहाँ से फाइनली क्या बन के आएगा जी, अब आपको मेरे ख्याल से मैं सीधा करूंगा, थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा, वाई एक्स प्लस में वाई बार जेड प्लस में यहाँ से एक्स बचेगा ना, एक्स जेड, ठीक है जी। तो हाँ, तो फाइनली ये बन गया था जी, वाई वाई जेड बार प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स जेड, हाँ, तो ये तो कोई खास बात नहीं बन रही, ठीक है। तो ये सब कॉमन लेके कुछ नहीं मिलना, छोड़ो इसको, बस मैं जस्ट बता रहा था कि शायद कुछ और अच्छा आंसर ना निकला है, क्योंकि देखो यहाँ पे कम टर्म्स है, यहाँ पे ज्यादा ही आ गई, तो फालतू में आई है ना, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये चार टर्म्स है, चाहो तो आप इनको आगे और मिनिमाइज कर सकते हो एंड सो ऑन, बट रियली मैं इतना टाइम पास नहीं करना चाहता, हटाओ इसको, मेन बात इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसको, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ, देखा था मैंने शायद अगर कुछ बात बनती हो तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे और क्या होगा, तो मैंने छोड़ दिया इसको। अच्छा, एक तरीका और मेरे मन में आ रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं ना। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, है ना, आंसर हमारा निकल चुका है, ठीक है। हाँ जी, वाई जेड बार प्लस में वाई बार जेड प्लस में एक्स जेड, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये देखो आप इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को सीधा पकड़ते ही एक्स जेड में बोल सकता हूँ, नहीं एक्स जेड कॉमन आएगा, वाई प्लस में वाई बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला जी, एक्स जेड, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख ही लेता हूँ एक बार इनको, ठीक है, एक्स बार वाई जेड बार प्लस में एक्स बार वाई बार जेड प्लस में एक्स वाई जेड बार प्लस में एक्स जेड, समझ गए ना, वाई एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस वाई बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स बार वाई जेड बार प्लस में एक्स बार वाई बार जेड प्लस में एक्स वाई जेड बार प्लस में जेड एक्स, सॉरी एक्स जेड, एक्स जेड या जेड एक्स की बात है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग भाई, अगर आपका दिमाग चल रहा है आप फटाफट से बोलोगे एक्स आ जाएगा कॉमन वाई जेड बार प्लस में जेड, तो एब्जॉर्प्शन लॉ से जेड प्लस वाई बन जाएगा, तो एक्स वाई प्लस में एक्स जेड, समझ गए, इतने पार्ट से ये आ चुका है। अब ये साथ बीच में मिलाओ, हाँ जी, क्या कहाँ से मिलाओगे भाई, एक्स बार वाई बार जेड है ये, तो इससे जल्दी मैच होएगा ना, जेड जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको ऐसे लिखता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इसको पकड़ लो,
और इसको पकड़ लो, देखो जरा क्या बन के आएगा। जेड आ जाएगा कॉमन, एक्स बार वाई बार प्लस में एक्स, तो एक्स प्लस में वाई बार बन के आएगा, तो जेड वाई बार प्लस में एक्स जेड, और साथ में एक्स वाई चल ही रहा था ये वाला, ठीक है। और अब ये टर्म बच गई है, तो इस टर्म को जरा मुझे समझाओ आप किसके साथ जोड़ सकते हो, एक्स बार वाई जेड बार, देख लो जिसके साथ जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकलता होगा वहां काम करेंगे हम लोग। जेड वाई बार, तो ये इसके साथ तो कुछ को है ही नहीं कॉमन, है ना, एक्स जेड है, तो एक्स जेड नहीं भाई, देख इसके साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, इसके साथ कॉमन है, हाँ यहाँ कॉमन है, वाई कॉमन निकलेगा, तो ठीक है जी अलग कलर ले लेते हैं, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। हाँ जी बोलो जी फटाफट, क्या निकल के आएगा, किधर करें, इसी को छोटा कर देते, चलो बोलो भाई। तो हम क्या करेंगे, वाई ले लेंगे कॉमन, एक्स बार जेड बार प्लस में एक्स, अगेन वही एब्जॉर्प्शन लॉ, वाई क्या बन के आएगा जी, वाई जेड बार प्लस में एक्स वाई, जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, समझ पा रहे हो ना भाई, एक्स प्लस में एक्स बार जेड बार, तो एक्स प्लस में जेड बार आएगा, तो मैंने खोल भी दिया, वाई जेड बार प्लस में एक्स वाई, ठीक है। अच्छा जी, और साथ में ये दो टर्म्स और हमारे पास रखी हुई थी, तो इनको भी उठा करके लिखो, प्लस में जेड वाई बार प्लस में एक्स जेड, ठीक है। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ रहा है, चार टर्म वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल ही है, ठीक है, दिस एंड दिस आर इक्वेलेंट 100%, 100% इनको कोई रोक नहीं सकता। तो अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं लॉज लगा करके आपको दिखा सकता हूँ, बट बहुत रियली टफ हो जाएगा और टाइम की बर्बादी है, मैं इतना ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ओके जी, तो हम क्या करेंगे, मैं जब के मैप्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, के मैप के टॉपिक में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये और ये एकदम सेम है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो 3-4 वीडियोस के बाद आई थिंक के मैप शुरू हो जाएगा, तो वहां पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा दीज टू आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, जिसको के मैप आते हैं आप अपने प्रूव करके देख सकते हो, दीज टू विल बी सेम, ठीक है जी। चलो ठीक है, ओके, इसको करो नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है जी, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बार प्लस में भी ए प्लस बी प्लस डी और डी बार, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, फटाफट से पहले इसका ही काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या बन के आएगा जी, ए डी बार प्लस में बी डी बार, डी डॉट डी बार होते कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या था जी, ए बार प्लस में भी, खोल तो जाओ फटाफट, ए बार और ये कैंसिल आउट ना, क्योंकि ए साथ आ गया, मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले भी बता के आया हूँ, अगर सीधा उल्टा नजर आ रहा है तो सीधा आप उसको कैंसिल कर सकते हो, उड़ा दो इसको, ये हट गया ये, ठीक है बना जी, ए बार बी डी बार प्लस में, ठीक है बना जी, ए बी डी बार और प्लस में बी डी बार, समझ गए। अच्छा जी, और यहाँ से आपको नजर आ ही रहा है बी, रादर इस पूरे में से बी डी बार सारे कॉमन निकल के आ रहा है, तो बी डी बार आ गया कॉमन, ए बार प्लस में ए और यहाँ से प्लस में वन, आई थिंक समझ पा रहे हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या बन के आएगा जी, बी डी बार, क्योंकि वन प्लस समथिंग इज वन ओनली, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे, अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं गेट एग्जाम में, ए प्लस में ए बार, बोलेंगे सर यूनिट प्रॉपर्टी है, ये यूनिट प्रॉपर्टी है, तो सर ये तो वन प्लस वन बन गया, और वन प्लस वन क्या होगा सर, ये तो टू बन जाएगा। अरे महा बकवास बात है, टू कहाँ से बना दोगे इसको, वन प्लस वन है ये, प्लस क्या है और है, तो वन और वन इज वन ओनली, तो फाइनली आंसर वन आएगा, और है ये प्लीज, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, प्लस से इसको कंफ्यूज मत करो, दिस इज नॉट प्लस दिस इज और, ठीक है वन आएगा, ठीक है जी। तो बी डी बार इसमें फाइनल आंसर, तो बी डी बार डॉट वन आएगा, समझ पा रहे हो, बी डी बार डॉट वन आएगा, एंड दैट, तो एनीथिंग डॉट वन इज नथिंग बट समथिंग, दैट समथिंग ओनली, तो बी डी बार इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे किया, समझ में आ गया होगा आई थिंक सब लोगों को, बी डी बार इज माई फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल हो गया होगा क्लियर, हम ये कैसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, आइडेंटिटी लॉ से कह रहे हैं, ठीक है चलो नोट डाउन करो। हाँ जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। देखो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही बात है, पहली बात तो यहीं से आपको देखते नजर आ रहा होगा डीमॉर्गन्स लॉ लगेगा यहाँ पे, है ना, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। तो आई विल ब्रेक दिस लाइन एंड चेंज द साइन, अच्छा पहले तो ये बताओ मेरे को, पहले बीच में साइन क्या है भाई, डॉट है, तो डॉट हटा करके हम प्लस कर देंगे और लाइन को ब्रेक कर देंगे, डीमॉर्गन्स लॉ और कुछ नहीं, ठीक है जी। लाइन को मैंने ब्रेक करा, ठीक है, अच्छा जी, और डॉट को हमने क्या कर दिया जी, प्लस कर दिया, चलो जी आगे बोलो। अब ये डबल बार आई हट जाएगी, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट के कारण, तो ए बार प्लस बी यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे इधर क्या आएगा जी, देखो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके मैं यही खोल देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ, तो ए बार बी आ जाएगा, समझ पा रहे हो, ए बार डॉट बी। प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो अपने करने की, इमेजिन करो, जितने जल्दी इमेजिन करोगे उतने जल्दी काम कर पाओगे। आपको पता है मैं दिल पे पत्थर रख के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैं इतनी स्पीड से करता हूँ कहने की हद नहीं है, बट मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं किसी को डाउट ना आ जाए। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ो भाई, है ना। इतनी मैच्योरिटी आई थिंक आ गई होगी आपके अंदर, इतना टाइम हमने लगा लिया, तो ए बार बी डॉट ए बार सॉरी ए बार बी प्लस में ए बार प्लस में बी, ये बन गया है ना भाई। अच्छा जी, तो यहाँ से आप क्या क्या दोगे भाई, ए बार प्लस में ए बार बी, तो ए बार आ जाएगा कॉमन, वन प्लस बी डॉट बी, ठीक है ना, तो वन प्लस बी आपको पता है भाई वन हो जाएगा, तो ए बार प्लस में बी, फाइनली ये मेरा आंसर है, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं था, कर लो नोट डाउन, ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे पुलिन जबरा पे, वो भी मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं, लगभग रिपीटेड बात है, सारी लॉजिक में मैंने सारे करा रखे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जस्ट कि एक तो आपको सारा कुछ डिजिटल लॉजिक में सारा फ्लेवर मिल जाएगा, सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पीड बिल्डअप होगी, स्पीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी जल्दी वो अच्छे से काम कर पाएगा और कुछ नहीं। और वैसे भी एनी वे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, आपको लगता है कि सर मेरे दिमाग में चीजें नहीं घुसती है, मेरे को दिक्कत महसूस होती है, तो लास्ट में मैं आपको के मैप दिखाऊंगा, के मैप से तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, बट वही बात है ये सब करने में के मैप में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एटलीस्ट डी मॉर्गन्स लॉ से पहले थोड़ा बहुत तो सॉल्व करो, उसके बाद आंसर निकल आएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये क्वेश्चन तो मिनिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि के मैप आप चाह कर भी लगा सकते थे, देखो लगाने में कुछ नहीं है, बट बहुत टाइम बर्बाद होगा उसमें, है ना, हम बहुत जल्दी यहाँ पे फटाफट से कर पा रहे हैं, क्लियर हो गया होगा थिंक, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। बाकी और जो भी क्लियर के क्वेश्चंस बच गए हैं, नाउ आई गारंटी यू अगर आपने ढंग से मेरे से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं अच्छे से, ये जो मैंने क्वेश्चन के सारे सॉल्व किए हैं, समझ लो आपके गेट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, केक वॉक की तरह आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे से, ठीक है जी, चलिए ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।